हर हर महादेव भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक हैं। उन्हें त्रिमूर्ति में से एक रूप माना जाता है जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिपति हैं। शिव को ध्यान में धारण करने से भक्तों को आत्मज्ञान, भक्ति और दया की प्राप्ति होती है। उन्हें गंगानाथ, भोलेनाथ, महादेव और नीलकंठ जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। शिव की प्रतिमा त्रिशूल, नाग और चंद्रमा के साथ दिखाई देती है। उनका वाहन नंदी वृषभ है। शिव धरती पर ध्यान में लगाने वाले भगवानों में से एक माने जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो जमीन के अंदर से निकला था। वो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मड़भटुआ धाम प्राचीन शिव मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज अंतर्गत स्थित है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण है और स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर की एक पौराणिक कथा है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक समय के दौरान भगवान शिव के भक्त राजा रत्नेश एक यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने साथ एक साधु भक्त को भी साथ लिया था। रास्ते में उन्होंने एक गहरे जंगल में रात बिताने का निर्णय किया। यात्रा के थकावट के चलते वे दोनों भक्त जंगल में सो गए। रात्रि विश्राम के बाद प्रातः शिव भक्त राजा ने धार्मिक भाव से शिव का भजन और पूजा की। उनके पवित्र भाव से प्रभावित होकर भगवान शिव उन्हें प्रकट होकर वरदान देने आए। उन्होंने भक्त से पूछा कि उन्हें किस वरदान की इच्छा है। भक्त ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे इस स्थान पर ही रहना चाहते हैं और भगवान शिव इस स्थान को स्वयं के धाम के रूप में स्थापित करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें मड़भटुआ धाम की परिक्रमा करने का आशीर्वाद दिया। इसी रूप में रतनहारी गांव का नामकरण हुआ और यहां भगवान शिव ने अपने भक्त की प्रार्थनाएं सभी यात्रियों को पूर्ण करने का वचन दिया। यह प्राचीन किंवदंती है। वही एक और पौराणिक कथा के अनुसार करीब 100 वर्ष पूर्व गांव रतनहारी में एक आदिवासी के घर एक बालक हुआ जो बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी साधु बन गया, जिनका नाम बालक दास पड़ा। संत बालक दास को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर पूर्व की कथा सुनाई और कहा, इस भटुआ पर मेरा धाम था जो अब जमीन के अंदर है। इस जगह की तुम ग्रामवासियों के साथ खुदाई कर मुझे बाहर निकालो। स्वप्न की बात संत बालक दास ने सुबह उठकर ग्रामवासियों को बताई, जिसके बाद ग्रामवासियों की मदद से उस स्थान की खुदाई की गई। खुदाई में शिव परिवार की 5 प्रतिमाएं और पाषाण के मंदिर के अवशेष मिले, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया और कुछ समय पूर्व वहां पर ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों द्वारा भव्य राम जानकी एवं शिवजी के मंदिर को बनवाया। मड़भटुआ धाम पर शिवरात्रि और बसंत पंचमी पर 3-3 दिन का भव्य मेला का आयोजन होता है। वही सावन माह में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना करने पहुंचते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु सच्चे भाव से अपनी मन्नत लेकर आता है, उसकी मन्नत भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। निगमन तहसील के प्राचीन एवं प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में, ये कस्बा सुल्तानगंज से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम रतनहारी के समीप है। यहाँ करीब 100 वर्ष पहले रतनहारी ग्राम निवासी बालक दास एक संत हुआ करते थे, जिनको स्वप्न दिया था कि हम यहाँ पे हैं पूरे परिवार के साथ, हमारी खुदाई करके बाहर निकालो। संत ने ग्रामवासियों को बताया स्वप्न के बारे में और ग्रामवासियों द्वारा यहाँ खुदाई की गई, तो जिसमें एक पाषाण का पूरा मंदिर, शिव लिंग और पार्वती जी की मूर्ति, नंदीश्वर महाराज, गणपति जी, कार्तिक स्वामी आदि प्रतिमाएं निकली। उसके बाद यहाँ ग्रामवासियों की मदद से एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया और यहाँ की अनेक मान्यताएं हैं। और यहाँ पर सावन सोमवारों में काफ़ी भक्त दर्शन करने आते हैं और वर्ष में 2 बार यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि और बसंत पंचमी। यहाँ आपको कितने वर्ष हो गए पूजन करते हुए? लगभग 15-16 वर्ष हो गए। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। जब हम आए हैं यहाँ पर तो सियानों के द्वारा जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, खास मुकद्दम जी और उनके सहपाठी और उनके संग वाले, उठने बैठने वाले, ये बताए कि एक बालक दास नाम के आदिवासी कोई थे और वो विरक्त संत हो गए थे। यहाँ पर एक दशरथ जी की टोरिया है, टोरिया में वो रहते थे।
न कुछ खाते थे न पीते थे। बियाबानों जंगल था, वहाँ पर रहते थे। जब गांव के लोग उनको पकड़ करके यहाँ ले आए तो ये बोले कि हमें मड़भटुआ में छोड़ दो और बस्ती के अंदर हमें ना ले जाओ। तो इस मड़भटुआ में उनको एक टपरिया बना करके छोड़ दिए। कुछ दिन के बाद में वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें भोले बाबा स्वप्न दे रहे हैं कि हम यहाँ पर मिट्टी में दबे हुए हैं, तो हमें निकलवा लो। तो गांव बस्ती के मिल करके जब वहाँ पर खनाई चालू करते हैं तो शिव जी का मंदिर सहित शिव जी निकले। ऐसा हमें यहाँ के सियानों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, यही जानकारी हमें ये प्राप्त है। और हमारे रत्नहारी के एक अवध जी हैं, तो उनके संग में हम रात्रि में यहाँ पर विश्राम करते। तब हमारा परिवार यहाँ नहीं आया था, हम अकेले आए थे। तो हम दोनों जन के लिए कई बार संतों के यहाँ दर्शन हुए, आते जाते और देखे। जब हम लोग जा कर के चैनल गेट में देखे तो वहाँ ताला लगा था, तो हम लोग बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इसके बाद में कछु और ऐसे चमत्कार हुए, हमें भगवान सीताराम जी की धुन भी सुनाई दी और कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो चमत्कार सबको बताया नहीं जा सकता। भगवान शिव के प्राचीन मंदिर से जुड़ा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।